वज़ीरे आला बलूचिस्तान और अमरीकी सफीर के दरमियान होने वाली मुलाकात का। आपको बताते चलें कि वज़ीरे आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंचो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई, जबकि बलूचिस्तान की तरक्की में अमरीकी मुआवनत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीरे आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस का सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। मीर अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान मालियाती तब्दीली की जद में है, हमें कभी खुश्क साली तो कभी सैलाब का सामना करना पड़ता है। हालिया सैलाब में शदीद नुकसान हुए हैं, 1,25,000 से जायद मकान तबाह हो गए। तामीर नौ और बुनियादी ढांचे की दुरुस्तगी सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत बलूचिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने यकीन दहानी करवाई कि अमरीकी हुकूमत तामीर नौ और माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तआवुन फराहम करेगी। आलमी बैंक और डोनर्स इदारे सैलाब मुतासरीन की बहाली, ज़राअत और दीगर शोबों की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करेंगे। वज़ीरे आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंचो से अमरीकी सफीर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। बलूचिस्तान की तरक्की में अमरीकी मुआवनत के फरोग पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीरे आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस का सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। मीर अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान मालियाती तब्दीली की जद में है, हमें कभी खुश्क साली तो कभी सैलाब का सामना करना पड़ता है, जबकि हालिया सैलाब में शदीद नुकसान हुए हैं, 1,25,000 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। तामीर नौ और बुनियादी ढांचे की दुरुस्तगी सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत बलूचिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफीर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम ने यकीन दहानी कराई कि अमरीकी हुकूमत तामीर नौ और माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तआवुन फराहम करेगी। आलमी बैंक और डोनर्स इदारे सैलाब मुतासरीन की बहाली, ज़राअत और दीगर शोबों की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करेंगे।